हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्काई ब्लॉग। तो भाई आज हम करेंगे मेरी कार का रिव्यू नहीं है, बेसिकली मैंने क्या क्या अपने कार में लगाया है उसके बारे में है, क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं किए, जो हाँ मेजर मॉडिफिकेशन इस कार को ज़रूरत थी मैंने वो किए। और रिसेंटली मैंने टायर चेंज करवाए अपने, चारों के करवाने थे, बट वहाँ के टायर्स के ओनर ने खुद ही कहा कि भाई अभी आपको चारों टायर की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा लाइट में आ जाता हूँ। चार टायर की ज़रूरत नहीं है आपको, दो अभी टायर की ज़रूरत है, बाकी अभी आपके दो फिर भी 15-20 हज़ार किलोमीटर के आसपास चल जाएगा। तो मैंने कहा वो लगवा दो, और पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है ये, ठीक है। तो चलो कार को दिखाते हैं। ये है भाई कार, फोर्ड फिगो एस्पायर, TDCI डीजल, 1.5 लीटर डीजल इंजन है इसका। वाइड है। इंजन के बारे में मेरे को कोई स्पेसिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं चलो इन टायर्स से स्टार्ट करता हूँ। इसके साथ मुझे मिले थे अपोलो के टायर्स, 175/65 R14 इंचेस के। तो इन पे मैंने ये मिला था मुझे नॉर्मल ग्रे कलर के, मैंने इनको पेंट करवाया कोश क्या कहेंगे ड्रम ब्रेक्स को मैंने रेड करवा दिया, और यहाँ के जो कैलिपर्स है ब्रेक कैलिपर्स इनको मैंने रेड करवा दिया, तो थोड़ा सा लुक इन्हांस हो गया, ये करवा दिया। ये अगर आपके पास भी है या कोई भी गाड़ी है आप करवा सकते हो। बाकी रात का एक मैं डालूँगा वीडियो, उसमें मैंने इसमें HID लगवा रखी है इधर, क्योंकि ये खोलने के लिए मना किया गया था। यहाँ पे मैंने DRL लगवाए हैं, DRL आपको मैं इसका भी लुक जो है रात को दिखा दूँगा, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत आप देख सकते हो ब्लिंक कर रहा है, हैज़ार्ड्स मैंने ऑन कर रखे हैं, ठीक है। क्रोम मुझे ऑलरेडी इसके साथ ही मिला था। ये पीछे से प्लेन आ रही है, गई प्लेन, और इधर भी। बाकी प्रोजेक्टर में मैंने कोई अभी चेंजेस नहीं कराए हैं, मैं सोच रहा हूँ कराने का, बट कराऊंगा ज़रूर। इस जगह पे ये मिचलिन के टायर्स हैं मैंने डलवाए हैं, सेम 175/65 R14 इंचेस, एंड यकीन मानो यार बहुत सही टायर्स है, बहुत सही टायर्स है। जब से लगवाया है बहुत मज़ा आ रहा है, चलाने में भी मज़ा आ रहा है, फील आ रहा है जो एक हम्प्स पे जब जाते थे या पॉट होल से गुजरती थी एक झटका फील होता था ना, बहुत मिनिमाइज हो गया वो। चलो तो ये मैंने स्पॉयलर्स लगवाए थे, ये इसका मैंने अमेजोन से मंगवाया था, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पीछे भी मैंने यहाँ पर लाइट लगवा रखी है, बूट लाइट, ठीक है। यहाँ पर ये भी मैं रात को ही लुक दे दूँगा इसका, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप अपनी गाड़ी में लगवाना, अगर नहीं लगा है तो ये लगवा लीजिए, बहुत यूज़फुल है। अब लेके चलते हैं कार के ऊपर, कार के अंदर, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। ये इधर मैंने डोर क्रोम लगवा दिए, डोर क्रोम बोलेंगे क्रोम बोलेंगे कुछ भी बोलेंगे पता नहीं यार, जो भी बोलते हैं क्रोम लगवा दिया, बेसिकली आप समझ गए, ठीक है। ये है मैंने यहाँ पे टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट लगवा दिया, इसमें मुझे टच स्क्रीन नहीं मिला था, 2018 मॉडल है तो इसमें मुझे टच स्क्रीन नहीं था, इसमें ब्लूटूथ था, इनबिल्ट था। हाँ इसके स्पीकर्स बहुत अच्छे थे, और ये मैंने लगवाया, ठीक ठाक काम करता है ये, बहुत अच्छा नहीं है बहुत बुरा भी नहीं है। वीडियो चला के मैं दिखा देता हूँ एक कोई, इतने में समझ में आ ही गया होगा भाई। ये देख रहे हो आप जो ये गया हुआ है लाइट, ये मैंने लगवा दी, एम्बिएंट लाइटिंग कहते हैं इसको, ठीक है, एम्बिएंट लाइटिंग मैंने लगवाई। और ये मैंने इसको वाइट करवा दिया, मगर इसका मुझे कुछ खास, मुझे लगा अच्छी खासी LED लाइट देगा, बट उफ अफसोस काम नहीं हुआ उतना। तो अभी मैं इस पर देखता हूँ कुछ और लगवाने का। और बाकी हैंडरेस्ट लगवाया था मैंने, साइड हैंडरेस्ट, ये काफ़ी यूज़फुल है भाई, आपको अंदर रखने की एक स्पेस भी मिल जाता है, ठीक है। और
पीछे ग्लास रखने का यूजफुल तो है, आप लगवा तो लोगे, मगर जो नीचे आपके स्पेस है ना यहाँ पे, रुको यार देखता हूँ, यहाँ पे देखो इधर जो स्पेस है ना बॉटल्स वगैरह रखने की, वो चली जाती है, मगर हाँ काफ़ी हैंडी आ जाता है कि आराम से आप रख के ईजली, अगर आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो आप अपना हाथ को यहाँ पे रेस्ट रख लो और मस्त गाड़ी चलाओ, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैंने ये गाड़ी क्यों चुनी, फोर्ड फिगो एस्पायर। एक्चुअली रीज़न ये था कि मेरी मम्मी को और मुझे दोनों को i20 पसंद थी Hyundai की, स्पेशली उसका जो टॉप वेरिएंट था, मम्मी को बहुत पसंद आया था, मैंने उसकी टेस्ट ड्राइव भी ली, सब कुछ चलाया, बहुत पसंद आया, फुली लोडेड था फीचर वाइज उस टाइम मुझे, क्योंकि मेरे पास तब मारुति ऑल्टो थी, ऑल्टो से मैं i20 पे शिफ्ट हुआ तो मुझे काफ़ी अच्छा एक इंजन का बूस्ट लगा, क्योंकि उससे पहले तो मैं ऑल्टो ही चलाता था, ऑल्टो का इंजन आप जानते हो 800 cc का कितनी पावर प्रोड्यूस करता है, टॉर्क प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ तो इसके वजह से मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, कि मुझे लगा यार कितनी अच्छी पावर है, इससे अच्छी कोई हो ही नहीं सकती सेगमेंट में। फिर मैंने एडवर्टीजमेंट देखा फीगो एस्पायर का, फीगो का स्पेशली, फीगो स्पोर्ट्स वेरिएंट उस टाइम आया था नया नया, तो फीगो का मैंने टेस्ट ड्राइव ली, फीगो की टेस्ट ड्राइव ली तो मुझे यार बड़ा शॉकिंग लगा यार, क्या इंजन है यार ये, तो इतनी पावर है इस गाड़ी में कि फिफ्थ गियर पे भी वो समझो आराम से, मैं 30 की स्पीड से फिफ्थ गियर पे आराम से उड़ी आ रही थी, और ऐसा नहीं कि उठने में बहुत टाइम ले रही थी या इंजन को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ रहा था, बहुत ताकत लगानी पड़ रही थी, ऐसा कुछ नहीं, बड़े आराम से उड़ी आ रही थी। मुझे बार बार ओवरटेक करने के लिए गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो गाड़ी मेरे दिमाग में बस गई, दिल में बस गई, मैंने कहा मेरे को यही लेना है। उसमें प्रॉब्लम ये थी कि 9 लाख रुपए की तो थी, बट प्रॉब्लम ये था कि फीचर्स जितने मेरे को i20 में मिल रहे थे वो इसमें नहीं मिले, तो 1 लाख रुपए का तो फ़र्क आ ही रहा था भाई, 10-10.5 लाख की गाड़ी थी वो i20 का टॉप वेरिएंट, उस टाइम की बात कर रहा हूँ, अभी से कंपेयर मत करना आप लोग, अभी तो और महंगी हो गई है। तो फिर ये हुआ कि यार 9 लाख की गाड़ी 1 लाख रुपए कम ही पड़ रहे, ऊपर से जो चीज़ मुझे चाहिए वो मिल रही है मेरे को, इसको लिया मैंने, और बस इसके अंदर इस गाड़ी में खामी ये थी कि भाई जो टायर्स है ना यार अपोलो के, ड्यूरेबल है, लॉन्ग टर्म है, बट हाँ जहाँ 160 की स्पीड लिमिट को क्रॉस किए ऐसा लगेगा यार गाड़ी रोड से जो अभी तक चिपक के चल रही थी ना वो कहीं ना कहीं अब तैर रही है कि क्या हो रहा है, आपको फील एंड फीडबैक स्टीयरिंग से कम मिलेगा, मगर वो भी 160 के बाद, 160 का जैसे ही आपने किलोमीटर पार किया तब आपको फील होना स्टार्ट होगा, तो फिर आपका ना वो कॉन्फिडेंस जो है 180 तक आते आते एकदम ख़त्म हो जाएगा, और हो भी जाना चाहिए यार, बहुत रिस्क वाला काम होता है इतनी हाई स्पीड पे लेके गाड़ी को चलाना, और वो भी खुली हुई रोड हो तो ही कोशिश करना। वैसे तो मैं कहूँगा कि सजेस्ट करूँगा अगर आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, भाई मैं 15 साल हो गए मेरे को गाड़ी चलाते हुए, तो मैं चलाता हूँ वो भी हाईवेज पे, यहाँ से वाराणसी का जो रूट है हमारे प्रयागराज से, तो वो बहुत ही अच्छा रूट हो गया है, वहाँ पे चलाओ मज़ा ही आ जाती है, तो वहाँ पे मैंने मंगाया तो, बट उससे भी समझ में आया कि रोड इतनी मक्खन होने के बावजूद, मतलब एकदम मस्त रोड है वो, तब भी वो अपना गाड़ी से मुझे फील एंड फीडबैक 160 के बाद लूज़ हो रहा था कॉन्फिडेंट मेरा। तो फाइनली जब मेरे टायर्स अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा पंचर होने लगे तो मैंने कहा यार बहुत हो गया, अब टायर चेंज कराते हैं, तो मैं तो चारों कराने वाला था, बट जो जहाँ मैं गया था टायर चेंज कराने के लिए उसकी एक वीडियो मैं इससे अटैच कर दूंगा, जहाँ मैं गया तो उन्होंने खुद ही मना कर दिया कि कम से कम 10-15 हज़ार और चला लीजिए पीछे के टायर्स तब चेंज कर देंगे, आगे के उन्होंने दोनों चेंज कर दिया, पिछले बहुत अच्छे टायर्स हैं, मज़ा आ गया इनको चला के लगवा के, खुश हूँ मैं, बिल्कुल भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं लगा। तो ये थी भाई मेरी गाड़ी की स्टोरी कि मैंने ये गाड़ी कैसे परचेज की। हाँ इसके पीछे मम्मी से थोड़ी सी बहसा भी हुई थी क्योंकि मम्मी को Hyundai पे ज़्यादा भरोसा था, और वैसे भी बहुत सारे लोग अफवाह उड़ा रहे थे, मतलब मेरी मम्मी के कान भर रहे थे, ठीक है सभी लोग भरते हैं, बहुत लोग भरते हैं आसपास के लोग, कुछ नहीं कर सकते उसका, कि अरे फोर्ड के लिए जा रहे हो, फोर्ड की महंगे हैं पार्ट्स, बहुत महंगे हैं, सर्विसेज महंगी हैं वहाँ का, बहुत कुछ महंगा है,
ठीक है, जबकि लेने के बाद एक्चुअली में सच्चाई यही है कि ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट्स वर्ट्स बहुत महंगे नहीं है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अब जो भी चीप क्वालिटी की चीज़ें होंगी, मैं नाम नहीं लूँगा कौन सी गाड़ी के बारे में बात कर रहा हूँ, बट हाँ जो भी गाड़ी का अगर पार्ट अगर चीप होगा भाई, ड्यूरेबिलिटी लो होगी, तो वो ऑब्वियसली सस्ता होगा कंपेरेटिवली जो भी आपका लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बना है। ठीक है, गाड़ी आपकी लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए बनी है तो आप वो गाड़ी लो कि भाई आप सोचो कि भाई आप कभी हाईवे पे जा रहे हो कलकत्ता, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ, तो ऐसी गाड़ी में रहो ना जिसमें सेफ्टी हो, आपको एक थोड़ा सा भी सेफ्टी महसूस हो सके कि हाँ गाड़ी पे अगर कुछ हुआ तो मैं और मेरी हमारी फैमिली मेरी फैमिली सेफ रहेगी। ऐसी गाड़ी को चूज करना चाहिए, ना कि ऐसी गाड़ी को कि हाँ भाई अभी तो सस्ते में काम हो जा रहा है, गाड़ी चलने के लिए बनी है, चल लिए हो गया खत्म। इस मामले में टाटा का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है ड्यूरेबिलिटी के मामले में, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि टाटा के पार्ट्स बहुत महंगे हैं, ऐसा तो है नहीं, ये तो आपको भी पता है बहुत महंगे नहीं है। बट हाँ सच्चाई यही है जो मैंने अभी आपसे बोली, जो भी चीज़ सस्ती होगी उसकी लॉन्गिविटी उतनी नहीं होगा, लॉन्ग टर्म यूज़ नहीं हो पाएगा आपका, अगर क्रैश हुआ तो दिक्कत तो आएगी आएगी, है ना। सस्ते के चक्कर में मत पड़ो, गाड़ी अच्छी है फोर्ड की अगर आपको पसंद है, सर्विस उतनी महंगी नहीं है, नॉर्मल है, नॉर्मल से आपका 500 रुपये ज़्यादा लग जाएगा, मैक्सिमम 1000 रुपये उड़ के लग जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि लेबर कॉस्ट बहुत है, बहुत ज़्यादा सर्विस कॉस्ट है, हर कंपनी का सेम हाल है। ठीक है, आपका लेबर भी उतना ही लमसम ले लेगा, अगर वहाँ पे 500 रुपये ले रहा है यहाँ पे आपसे 200 रुपये, हो सकता है कि ज़्यादा ले ले, मगर आपको वर्थ वाइल लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको लगे यार ये 200 रुपये ज़्यादा ले लिया पर वर्थ नहीं लगा पैसा देना। यकीन मानिए गाड़ी चलाइए, अगर आप ड्राइविंग ड्राइव करने के शौकीन है ना, तो फोर्ड फिगो एस्पायर हो चाहे वो फोर्ड फिगो का कोई भी वेरिएंट हो, मज़ा आ जाएगी आपको, ट्रायल हो। मैं फोर्ड को, कोई फोर्ड वालों ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए कि आप मेरा प्रमोशन करो, अभी तो मैं चैनल नहीं हूँ, आपको भी पता दिख ही रहा है, तो उसमें मुझे कोई भी पैसे नहीं दिए और ना ही मैं कभी लूँगा इस सब चीज़ों के पैसे, जो कि ऑनेस्ट रिव्यू है सो है। ठीक है, ये मेरा अपना एक वो था, ओपिनियन था और एक रिव्यू था कि हाँ भाई आपको बताया गाड़ी के बारे में कि हाँ एक्चुअली में गाड़ी के बारे में लोग क्या सोचते हैं और वो एक्चुअली में क्या है, रियलिटी क्या है उसकी। गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है, जब भी मेरा एक टाइम होता है कि मैं बहुत लो फील कर रहा होता हूँ और मैं अगर गाड़ी में हूँ, एक एक्सीलेटर लो, मुंह पे स्माइल पक्का आनी है आपके। अभी मैं दिखा रहा हूँ कि मेरी देखिए गाड़ी 5वें गियर पे लगी है, कितने स्पीड से उठ रही है, मैंने एक्सीलेटर भी अपने दिखा नहीं पा रहा, एक्सीलेटर से मैंने अपने पैर हटा रखे हैं देखो, और अभी एक्सीलेटर पे पैर रखे मैंने, और ये देखो जी क्या बढ़िया उठती है भाई, इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है। मैं इसमें किसी दिन माइलेज पे भी एक दिन वीडियो बना दूंगा, यकीन मानिए मैंने 38 का माइलेज निकाला है इससे। हाँ थोड़ा ऑफ रोड वाली जगह पे आपको दिक्कत होगा कि भाई रास्ते अगर ख़राब हैं और ऊपर नीचे है तो थोड़ा आपको दिक्कत होगी, क्यों होगी, क्योंकि गाड़ी का जो आगे बम्पर के नीचे एक जो रबर लगा हुआ है ना, वो आपके फ़ायदे के लिए, उससे पता चल जाएगा कि भाई बम्पर अब टच होने वाला है, अब गाड़ी हटा लो पीछे कर लो, वो आपके फ़ायदे के लिए, तो उसको कभी हटाइएगा मत, अगर लेते हैं गाड़ी अगर आपके पास है उसको लगे रहने दीजिए, वही टच होता है इंजनली जब भी आप कभी जाएंगे, तो वो थोड़ा सा अनोइंग ज़रूर लगता है, यही एक प्रॉब्लम है, बाकी तो इस गाड़ी का मुझे सब कुछ पसंद है। 5वें गियर पे की जगह पे इसको 6वां गियर भी देना चाहिए था कंपनियों को, बट आई डोंट नो क्यों नहीं दिया। ठीक है, 5वें गियर पे भी इतना भयंकर पुल लगता है ना, लगता है कि गाड़ी पता नहीं कितना पुल करेगी भाई, अब तो रुक जाओ, ख़त्म ही नहीं होता इसका। चलो वीडियो अच्छा लगे तो बताना, मैं इसका रात का एक छोटा सा व्लॉग बना के आपको डाल दूंगा कि हाँ भाई HID की क्या परफॉर्मेंस है और जो मैंने एम्बियंस लाइटिंग लगवाई उसका क्या है, लुक कैसा आ रहा है, वो सारी चीज़ों का मैं एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है जी, तो वीडियो पसंद आए तो मुझे बता देना, कमेंट्स में बता दूँ कि हाँ क्या क्या गड़बड़ हो रही है मेरे से, क्या नहीं हो रही, अभी नया हूँ थोड़ा सीखने में मेरे को टाइम लगेगा ही लगेगा, कैमरे से बात करना आसान नहीं है बिल्कुल भी, अब समझ में आता है ब्लॉगर्स के लिए कितना मुश्किल होता है कि जब लोग आपको घूर घूर के देख रहे होते हैं और लोग सोचते हैं कि यार ये पागल वागल है क्या, फ़ोन से बात कर रहे हैं,
वो भी इतने खुश खुश। चलो मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। तो देखो भाई, ये है कुछ इंटीरियर जो मैंने मॉडिफिकेशन कराई है। एम्बिएंट लाइटिंग की कुछ ऐसा लुक आता है, रोशनी इसकी कुछ ऐसी आती है, इसको चाहो तो आप ऑफ़ भी कर सकते हो, यहाँ से स्क्रीन ऑफ हो जाती है। और HID का कुछ रिस्पॉन्स ऐसा है, ठीक है, अपर लिपर का वो भाई ईजली विजिबल है। आपको दिखा देता हूँ कि बाहर का कैसा लुक आता है। बूट लाइटिंग कुछ ऐसी है इसकी, और HID का कुछ रिस्पॉन्स ही अदर से ऐसा है। तो भाई ये थी कुछ वीडियो मेरी कार के बारे में। अब आप बताइएगा कमेंट में कि हाँ आपको ये वीडियो कैसी लगी, मेरी मॉडिफिकेशंस कैसे लगे, और क्या करवाया जा सकता है बजट फ्रेंडली, ऐसा कौन से मॉडिफिकेशंस है जो मैं करा सकता हूँ अपनी कार में। आपको अगर मेरे से कुछ पूछना है कार के मॉडिफिकेशन से रिलेटेड तो वो मेरे को कमेंट में बता दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। तो बस आज का ब्लॉग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, फिर देखा जाएगा किस चीज़ का ब्लॉग बनाना है। चलो जी, बाय बाय।